Madam, मेरी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है मैडम. अरे उसको अस्पताल लेकर जाना है, उसको अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं है मैडम. बस मुझे आधे दिन की छुट्टी दे दीजिए, बस मैं यूं गया और यूं आया. नहीं यार, गोपी तेरा समोसे मंगा यार. मैडम ये कमिश्नर साहब ने ये फाइल भेजी थी के साइन करके उनके पास. मन ने बेरा है यहाँ पे दिख रहा है मन ने. एक्सक्यूज मी मैडम, सर में दर्द है सवेरे सवेरे. सर में दर्द है या सर में दिमाग ना है? तू पागल है तू? नहीं नहीं मैडम, मैं पागल नहीं हूँ. ओ तुम पागल नहीं हो तो और क्या हो यार, यहाँ पर एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी मेरा मतलब एक पुलिस ऑफिसर के सामने खड़े होकर तुम कह रहे हो कि तुम्हारे सर में दर्द है, ये कोई डॉक्टर दिखती है तुम्हें? मुझे पता है कि ये पुलिस यहाँ है इसलिए तो मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना. सर में दर्द है सवेरे सवेरे. मैं देता हूँ पुत्र, मैं गोली देता हूँ, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा. हैं, मैं देता हूँ गोली तेरे को. कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा. दादाजी ठीक है ना सब कुछ? मैडम मैं यहाँ पे FIR लिखवाने आया हूँ, सर में दर्द है सवेरे सवेरे. मैडम मुझे सचमुच में लगता है ये आदमी पागल खाने से भाग के आया है, इसे सर दर्द की FIR लिखवानी है. देखो यार जो भी बात है वो जरा खुल के मुंह खोल के मैडम के सामने बोल दो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का सितार हो गया तार तार तो हमारी मैडम एक नंबर की खोलती कढ़ाई में तैरती पूरी. मेरा मतलब है सुलगते तंदूर की रोटी तंदूरी. मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है समझे. अरे गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था इसलिए सर में दर्द है सवेरे सवेरे. Well, what is the परेशानी is the I like Katrina, Krina and Rani is the. रुमाल निकाल अपना मुंह ढक. Well, what is the pareshani is the I like Katrina, Krina and Rani is the. Better. Carry on. Madam, mera naam hai Jhingur Jhapad, sar mein dard hai savere savere. Kya? Kya? Kya naam kya hai tumhara, kya hai? Jhingur Jhapad. Ye kaisa naam hai yaar, ye koi tum janwar ya koi jeev jantu ka naam hai, kya hai ye? अरे ये मेरा नाम है झिंगू झापर, सर में दर्द है सवेरे सवेरे. मैडम एक्चुअली बात ये है कि मैं एक बैंक में नौकरी करता हूँ, तो एक क्लाइंट ने मुझे अपने घर पे बुलाया कुछ मिलने के लिए, कामकाज था इसलिए. तो मैंने कहा कि आप अपना एड्रेस है वो मुझे SMS कर दीजिए, उन्होंने कर दिया. तो मैं पहुंच गया गोमती नगर विराम खंड में. तो वहां पे मैंने सोचा कि विराम खंड तो कितना बड़ा है, एक क्लाइंट कहाँ रहता होगा, क्यों ना किसी से इसका पता पूछ लिया जाए. लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए मैडम, मेरे बैड लक देखिए कि वहां कॉर्नर पर एक पान की गुमटी थी, वहां पे दो लड़के खड़े थे, सर में दर्द है सवेरे सवेरे. ओहो, और तुम चाहते थे कि वहां पर दो लड़कियां खड़ी हों. अरे मैडम, मैडम मैं वहां पे पहुंचा, मैंने उन लड़कों से पूछा कि ये पता आपको पता है कि कहां है. तो उन्होंने पहले तो पता पढ़ा, बाद में सर ऊपर किया, बहुत लंबा सोचा और बाद में एक दूसरे को देखकर दोनों मुस्कुराए और बाद में कहा अरे सिंपल पता है, एक काम कीजिए सीधे चले जाइए वहां पे वो चाय वाली टपरी है, उसके बाद आप राइट ले लीजिए, वहां पे तीसरी गली में चौथे चौराहे पे पांचवा मकान है ये. और देखिए मकान है ना उसका गेट काला है और वहां पे काला कुत्ता बैठा है. डरेगा नहीं वो कुत्ता, काटता नहीं, सर में दर्द है सवेरे सवेरे. तो मकान मिल गया? 5 घंटे धूप में घूमने के बाद वो मकान मुझे मिला मैडम. अबे पर मिल तो गया ना मकान, फिर क्यों मर रहा है? अरे मैडम मिला मतलब हाँ, मैं वहां पे गया तो वहां पे काला गेट भी था, काला कुत्ता भी था, लेकिन मैडम वो पता जो है ना वो मेरे क्लाइंट का नहीं था.
और वो कुत्ता है ना, वो काटता है मैडम। उस कुत्ते ने मुझे काटा, ये देखिए मेरी क्या हालत बना दी है। मैडम मैं चाहता हूं कि वो दोनों के खिलाफ आप FIR लिखिए, उनको यहां पे बुलवाइए, उनको सजा दीजिए। सर में दर्द है सवेरे सवेरे। यार कौन हो रहे हैं ये दो लौंडे जो बिल्कुल ही जो है मस्ती मजाक में लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको गलत पते बता रहे हैं, कुत्तों से कटवा रहे हैं। जरा बुलवाओ चौकी में, धर के लाओ। आइए आइए। टुडू अरे अरे ध्यान से अंकल। दादाजी दादाजी बहुत तकलीफ है। Mom, she's are the boys is the. मैडम यही है वो दोनों जिनकी वजह से सर में दर्द है सवेरे सवेरे। क्या लगा रखा है दोनों ने? फिलहाल तो मैडम मैंने परफ्यूम लगा रखा है और मैडम मैंने हिजाब लगा रखा है। जो मस्करी है ना अपनी अम्मा के साथ करना, मारे संग करी, मैं नानी याद दिला दूंगी। कौन हो दोनों? मैं आज हूँ, ये कल है, सूरज उग गया। हाँ मैडम ये है आज अस्ताना और मैं हूँ कल सदाना। सूरज डूब गया। देखो यार ये झिंगुर झापड़ ने तुम दोनों के खिलाफ FIR लिखवाई है कि जब ये उस गोमती नगर के विराम खंड तक पहुंचा तब पान की गुमटी पे तुम दोनों खड़े थे। हाँ? अरे तो क्या पान की गुमटी पे खड़े होना कोई गुनाह है? सूरज उग गया। और जाजी हम तो वहाँ रोज खड़े होते, सूरज डूब गया। पान की गुमटी पे खड़े होकर पान चबाना है ना, वो गलत बात ना है, लेकिन वहां पे लोगों को गलत पते बताना, गलत एड्रेस पे पहुंचा देना, वो गलत। मैं चपेड़ मारूंगा कान के नीचे। ज्यादा बकवास मत करो वरना मॉम विल टेक द अट्रैक्शन। एक्शन या दिस वन। जी मैडम देखिए मैडम, हमने इन्हें जानबूझकर गलत पता नहीं बताया था मैडम, सूरज डूब गया। दरअसल बात यह हुई मैडम कि हमें लगा कि इन्हें उसी घर में जाना है शायद, और शायद वो पता उसी घर का है, और शायद वो काला कुत्ता काटता नहीं है, सूरज डूब गया। अरे मैडम आप बताइए हमें गलत पता बताकर इनको क्या मिलेगा? मजा लेने के लिए। मैडम मैंने आपको बताया था ना कि जब मैंने इन दोनों से पता पूछा तब ये दोनों पता बताने से पहले एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए थे। मैडम मैडम मुझे तो ये दोनों एक नंबर के चपड़ चंद चालाक टाइप के लड़के लग रहे हैं मैडम, इन दोनों को हवालात में डालिए और सुताई कीजिए इनकी। या शी इज राइट। हमें माफ कर दीजिए मैडम, हम कसम खाते हैं मैडम आज के बाद हम कभी किसी को एड्रेस बताएंगे ही नहीं, सूरज डूब गया। चलो ठीक है, पहली और आखिरी वार्निंग समझो तुम इसे अपनी, लेकिन अगर यो एक्शन रिपीट हुआ तुम्हारा दोबारा, अगर तुम जो है इसी केस में बुलवाए गए तो फिर सुनवाई ना होगी, कार्रवाई होगी। ओके जी मैडम। भाई साहब हमें माफ कर दीजिए, सूरज डूब गया। डूब ओके बाय। सूरज उग गया। अबे चलना उग जाएगा सूरज। मैडम आपने इन दोनों को जाने दिया, सर में दर्द है सवेरे सवेरे। ना तो क्या करूं मैं, क्रिमिनल केस बनाऊं उनके खिलाफ, दफा 302 के तहत अंदर कर दूं। अबे किसी को गलत पता बताना क्राइम ना है कोई। लेकिन मैडम कल मुझे फिर से गोमती नगर जाना है किसी और क्लाइंट के पास, सर में दर्द है सवेरे सवेरे। अरे यार मैडम ने उन दोनों को एक बार समझा दिया ना, अब वो तुम्हें गलत पता नहीं बताएंगे। और तुम वैसे उनसे पता पूछोगे क्यों? मत पूछो ना उनसे पता, तुम जाओ बैंक में अपना काम करो यार। ऐसे जाओगे? हाँ। तू क्यों हंस रहा है? पैंट फटी हुई थी उसकी। तू एक काम कर, तू नाश्ते में ना तू सीमेंट खाया कर, तो मुंह जम जाएगा, जो बह रहे हैं ना एक्सप्रेशन सब एकत्रित हो जाएंगे एक जगह। FIR
यस सर, यस सर। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? सर हमें पता चला है कि आपके पतली कमर में काफी दर्द रहता है, तो हम आपको कमर हिलाओ दर्द भगाओ नृत्य सिखा रहे थे, ऐसे कमर का दर्द है ना बिल्कुल चला जाता है सर। ओह आई सी, तभी मैं कहूँ कि मुझे काफी फर्क पड़ा है, ये कमर हिलाओ दर्द भगाओ नृत्य। राइट राइट सर, राइट। मैं ऐसा करता हूँ कि कल से ये नृत्य सीखने के लिए रोज आ जाया करूंगा यहाँ पे। नहीं सर, आपको नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम आपके ऑफिस आ जाएंगे ना आपको सिखाने के लिए। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस। माय ड्यूटी सर, माय ड्यूटी। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। एक बार फिर करना ये कमर हिलाओ नृत्य भगाओ नृत्य, जरा एक बार फिर करता, एक बार कब को। मैडम मैडम मैडम, क्या है बे? क्या हो गया यार, इस बार तुम्हें किसी बिल्ली ने काट लिया क्या? बिल्ली नहीं उल्लू, पर फिर है ना वो दोनों लड़कों ने मुझे उल्लू बनाया। सर में दर्द है सवेरे सवेरे। मैंने हुआ ये कि इस बार मैं फिर से गोमती नगर में विराम खंड पे पहुंचा, हाँ, तो वो दोनों वही पान की गुमटी के पास खड़े थे। उन दोनों ने मुझे देखा, मैंने उन दोनों को देखा, और मैंने देखा कि एक एरो लगा हुआ है जहाँ पे लिखा है विराम खंड सेक्टर नंबर 4 राइट साइड पे। तो मैडम मैं राइट साइड पे चल दिया। मैडम पूरे 5 घंटे घूमने के बाद मैं उसी जगह पे वापस आया जहां से मैंने शुरू किया था। सर में दर्द है सवेरे सवेरे। और जब मैं वापस आया तब मैं क्या देता हूँ कि वो एरो है ना वो लेफ्ट की तरफ घुमा हुआ है। मुझे लगता है मैडम वो दोनों लड़कों ने वो एरो घुमा दिया था। यार तू इतना फॉर श्योर होके कैसे कह सके कि वो दोनों लौंडों ने ही जो है एरो घुमा दिया? क्योंकि मैडम जब मैं थक हार के वहां पे पहुंचा तो वो दोनों लड़के मुझे देख के हंस रहे थे। वेल मॉम, दिस इज वेरी बैड इज द, शी इज वेरी सैड इज द, ही या दिस वन। मैडम मुझे तो लगता है इन दोनों को उल्टा लटका के उल्टा लटकाया जाएगा, पर किसी और ने। आ रहा है मैडम, आ रहा है, आ रहा है, मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आ रहा है। किसमें के आ रहा है सारे, मारे जिंदा रहते? नहीं मैडम, आइडिया आपका ये बस आ मेरे दिमाग में रहा है, और वो भी एक बहुत टेम्पो टेम्पंग का लूट लो लंका आइडिया। तो मैं लंका में आग लगाने जाऊं फिर देगा आइडिया? तू जरा दीवार के पीछे तो आइए, मतलब सुनिए। गुड आइडिया इब, देखो इन दोनों मस्करों की लंका में मैं कैसे आग लगाती हूँ। पूरा मैच घूमे, आधा घूमेंगे लेफ्ट साइड में, देखना टेढ़ी पुलिया, टेढ़ी पुलिया में सीधे होकर चलना, यू यू, उसके बाद लेफ्ट आएगा फिर राइट आएगा, वहाँ एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के आसपास से भी नहीं गुजरना, पीछे गली है, गली में घुस जाए वही है ये। एक मिनट, एक मिनट, शकल से धंधे वाले दिखते हैं, पैसे मत दो, ये पकड़ो बेटा, पकड़ो जरा, एक मिनट, एक काम करो बेटा, एक कुछ नक्शा सा बना दो कि जाना कैसे है, हमको समझ में नहीं आया। मैं देखो अभी क्या है, ये है गोल चक्कर है ना, ये गली जहाँ से आप आए हो, ठीक है, गली में नहीं जाना, नहीं जाना, यहाँ बैठे, अब यहाँ से आप इधर गए, ठीक है ना, यहाँ जाना, हाँ सीधे जाके लेफ्ट लिया फिर राइट लिया, और वही पेट्रोल पंप है उसके बाजू में देखो उधर ही है। ये सही है, बहुत सही है, पहुंच गए, सही है, दो मिनट पहुंच जाओगे। थैंक यू बेटा। अरे कोई बात नहीं, हाँ हाँ बाजू फेंक देंगे। थैंक यू बेटा, जा फेंक देंगे, झोला ले लो, झोला डाल लो, झोला, थैंक यू बेटा, आराम से जाओ। अंकल वहाँ पहुंच के तार डाल देना, तार। 3 दिन ढूंढते रहेंगे, ये पता मिलेगा नहीं उनको, सूरज डूब गया। अरे चलो, अरे दादाजी, अरे अरे खुद ही गिर रहे हो, उठ के संभल के चलो, हाँ हाँ चल रहे ना, खड़े यहाँ पे, अरे 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 इस उम्र में भी बहुत ताकत है। अरे अरे दादाजी हमें यहाँ क्यों लेके आए हो, हमने किया क्या है? बताता हूँ मॉम, 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 शीज आर द कम इज द। देखिए मैडम,
हमें यहाँ इस तरह से अरेस्ट करके क्यों लाया गया है? सूरज डूब गया। ब्रुप भाई, कल गोमती नगर में एक मर्डर हुआ है और खूनी पकड़ा भी गया है, और खूनी ने जो है बड़े आसानी से 2-3 रैप्टे खा के अपना इकबाले जुर्म भी कर लिया, और उसने ये बताया है कि उसको जो है मर्डर पे भेजने वाले और जिस जगह जाना है वहां का नक्शा बना के देने वाले तुम लोग हो। हम? नहीं। तो भाई नक्शा जो है यो है, मैप तुम्हारी हैंडराइटिंग है। तो भाई नक्शा जो है यो है, मैप तुम्हारी हैंडराइटिंग है। और रही बात मर्डरर की, तुम्हारे फ्रेंड की, तो ही इज हियर, तुम दोनों का साथ देगा वो लॉकअप में। आओ भाई। जी हाँ, मैडम यही दोनों थे। Well, सारे सबूत और गवाह तुम्हारे हैं खिलाफ हिस्सा, तकिए पे चढ़ चुका है गिलाफ हिस्सा। भाई हमने तो घने प्यार से तुम्हें कही थी कि भाई मत ऐसे बेकार के बेहुदा मजाक करने की जरूरत ना है, एक दिन बुरे फंसोगे। पर तुमने मानी कोई ना, लोगों को गलत पते बताते रहे, इव अपने सही पते पर पहुंच गयो, यानी जेल। वेलकम। नहीं। Well, my sally staying in jhansi is the, अब तुम दोनों को होगी फांसी is the। नहीं 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 मैडम, हमें बचा लीजिए, हम बेकसूर हैं। देखिए मैडम, आप हमें माफ कर दीजिए मैडम, बचा लीजिए मैडम, बचा लीजिए, हम कान पकड़ते कान पकड़ा कान। मैडम आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे मैडम, अगर हमसे कोई एड्रेस पूछेगा, अगर तो एड्रेस पता होगा तो सही सही एड्रेस बता देंगे, वरना कह देंगे सॉरी हमें एड्रेस पता नहीं है, सूरज डूब गया। बुड़ू मैडम प्लीज, मैडम 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 प्लीज, हमें बचा लीजिए मैडम प्लीज। रो रहा है। बंद करो रोना धोना, हैं? कोई मर्डर वर्डर ना हुआ है? भाई वो तो हमने एक लीला रची। जी हाँ, और हम हैं मुलायम सिंह गुलगुले। तुम दोनों को सही राह पर लाने और सबक सिखाने के लिए हमने नाटक करा था, लेकिन एक बात याद रखो दोनों, भाई जो ना हुआ है वो हो भी सके। आजा झिंगुर। जी। अबे मुंह के देख रहे, माफी मांगो इससे। अंकल जी हमें माफ कर, हाँ हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद आपको सिर्फ सही एड्रेस ही बताएंगे, सूरज डूब गया। बुड़ूप। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैडम आपकी वजह से इन दोनों को अपनी गलती का एहसास भी हो गया और सही रास्ते पर भी आ गए। ये काम आपके सिवा कोई नहीं कर सकता था। सर में दर्द नहीं है सवेरे सवेरे। तो बोलो चंद्रमुखी चौटाला जिंदाबाद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।